अरे बाबू भाई ये देखो, डाकू सोमनाथ खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, थक जाएगा तो खुद ही बैठ जाएगा। अरे इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अरे चुप कर, ईवीएम खरीद लिया मैंने, सोच रहा हूँ कि उन दोनों नागिनों से कैसे निपटा जाए। चल जा निकल, चल अदरक की चाय लेके जा। चल निकल 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 इधर से चल। तुम यहाँ के मालिक हो क्या? नहीं तो फिर अपना टोटा बनकर। क्या बोला? ए, कौन है बे? एक तो ये घर में घुस रहा है और ऊपर से अकड़ के बात कर रहा है। रुक क्या चाहिए बे? नौकरी की तलाश में आया हूँ हुजूर। तब तो निकल चल, भूख से मुँह में छाले पड़ गए हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब हूँ मैं। अरे अपने मजदूरों को 2 साल से तनख्वाह नहीं दिए, तुझे कहाँ से दूंगा, चल जा। मैडम ये मुझे हाफ मेंटल लग रहा है, मुझे भगा रहा है, मैं निकल जाऊँ क्या करूँ? तेरे को प्लास्टिक सर्जरी करवाना है ना, तो जा उसके पैरों में गिर जा। सेठ जी इन लोगों की तरह मुझे बदबूदार गोबर उठाने का काम दोगे? अबे मैं तुझे गाय का गोबर उठाने वाला दिखता हूँ? भैंस की टट्टी उठाने वाला दिखता है। शांत हो जा मुन्ना, सब एडवांस मिलेगा। तुझे नौकरी चाहिए ना, तो जा 1 लाख रुपया लेके आ। मैडम ये तो नौकरी दे नहीं रहा है। बोल कि मैं बैल का बेबी सिटर बनूंगा। हुजूर मैं बैल का बेबी सिटर बन सकता हूँ। अच्छा बैल का एक बार दीदार तो कर ले। कर ले, अभी तेरी आंखें सुझाता हूँ। मैडम मुझे लगा भूचाल सीधा साधा बैल होगा, लेकिन नाम की तरह हाव भाव और चाल चलन मैच कर रहे हैं। बाहुबली ने इससे डेंजर सांड को काबू में किया था, फिल्मी देखी तूने? बाहुबली में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था, रियल में अगर भल्लाल इतना बड़ा सांड उठा लेता तो बाहुबली बनी नहीं पाती। से बात कर रहे, मेरे सिंगल भेजे से इसे पटाना मुश्किल है। अबे कभी तो अपने डबल भेजे का इस्तेमाल किया कर। ओवर एंड आउट बुला रहे हैं। तू सीधे से जाता है या तेरे ऊपर बैल छोड़ दूं? आउट गेट। मालिक मेरा गला रेशमिया की तरह सुरीला है, मेरा गाना सुनकर बैल काबू में रहेगा। ए भगा रे इस बेसुरे को, भगा। चल निकल, जाता हूँ, धक्का मत मारना। मैडम गोबर उठाने की भी औकात नहीं रही, मेरा गेम ओवर है, माइकल जैक्सन का मुखड़ा नहीं लगवा पाऊंगा। अरे यार सारे प्लान का अंडा चौकड़ी हो गया। साहब भूचाल सिंह फड़के। ए रुको, तुम्हारी भैंस की जान। ए जो भूचाल को पकड़ेगा उसको मलाई वाली चाय पिलाऊंगा। पकड़, रुक 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 रुक। ए मेरी तरफ आ रहा है कोई, रो तो उसे। ए भूचाल आ रहा है भाग। इस खोपड़े का कुछ नहीं हो सकता, मैं मर जाऊं तो ही अच्छा होगा। अलविदा मैडम। hey! कायर जैसी बातें मत कर। वक्त आ गया है शहंशाह बाजीगर और बाहुबली बनने का। आरव, आरव, रुका। सोच मत, बैल को काबू कर और अपनी किस्मत बदल डाल। ये तो बदमानुस लग रहा है, आगे गया तो ये मुझे ही मारेगा। अरे भाई बताना कौन से जू से मुंह चुरा के आया है। मुड़ने को कह रहा है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। अरे क्या हुआ? लगता है मुझमें चमत्कारी पावर्स हैं। ए, तेरा कंपार्टमेंट है? बाबू भाई अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ए आज से तू मेरा एम्प्लॉयमेंट है। नौकरी पक्की। ये बनमानुस तो मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, अगर किसी दिन सेवा से चूके ना तो मैं ये लाल सिंह घुसाने से नहीं चूकूंगा। हाँ पहले हाथ कॉमर में हुआ करता था। और हम ग्वाबर में हैं। ये सब उस तांत्रिक की वजह से हुआ है। माइकल जैक्सन का थोबड़ा तो मुझे लगने ही वाला है, अब उसके गाने पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। बीट इट, जस्ट बीट इट। अबे सांड के बच्चे, चिल्ला के मेरी पोल खोलेगा क्या? उन दो अधेड़ उम्र की औरतों ने 2 फीट बोला था, 4 फीट खोद चुका हूँ। मैडम जी अभी तक बर्तन नहीं मिला। अबे और गहरा खोद। अरे खोदते खोदते हाथ दर्द कर रहा है, मैं थक गया हूँ, गन्ने का जूस ले आओ। अरे पहले खोद तो सही और खोद। अरे यार पूरी रात खोदवाएंगे। हाँ?
से तुम बर्तन कह रही थी? जी कर तो इसी से तुम्हारा सर फोड़ दूं। मैंने बोला था ना, वो बुढ़िया चूरन दे रही है। चुप कर माशा। मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, मैं और गहराई में खोदूंगा। अपने नाम की तरह ही डेंजर है, पानी पिलाने की तो कोई हिम्मत करता नहीं है। पता नहीं अब तक जिंदा कैसे है। मिल गया। क्या बोल रही? माशा, वो बर्तन मिल गया। माशा इधर है। इधर देख, पानी फेंक के बर्तन इधर दे, जल्दी कर। वो वाला? हाँ वो वाला बर्तन इधर दे। मजा आ गया यार। ये वाला? जल्दी मोटे। हाँ। मैडम, ये तो भंगार लगता है। जो बोला वो कर, अभी फेंकना। इसे बेच के अमेरिका जाएंगे। अबे, इस बर्तन से पूरा अमेरिका खरीद सकते हैं रे। फेंकना जल्दी। एक घंटा रुकिए, मैं कहीं और खुदाई करके सोना निकालता हूँ। आज तो मेरी किस्मत खुली जाएगी। जल्दी फेंकना। यार ये क्यों मार रहा है? मैडम, ये बर्तन भंगार है, अगर इसे बेच भी दोगी ना तो मूंगफली नहीं आएगी। अबे, जितना भी सोना निकलेगा तू अकेले अपने पास रख लेना, पर वो बर्तन इधर फेंक। ऐसी बात है क्या? मेरी तरफ से डील पक्की है, मैं अमेरिका जाऊंगा। बोला था ना कोई आ जाएगा। देता हूँ। बर्तन कूदना आसान होगा। चूना मिलाया है क्या? मैंने बोला था ना, इसको काम पे मत रखो। तुझे काम से निकाल दूंगा, जा पकड़। बॉस वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है। नहीं तो क्या करता? कहाँ से जाऊँ? लेफ्ट या राइट? नहीं, बहुत प्यास लगी है। इसी बंदे पानी नहीं है। ये भी खाली, बाल्टी भी खाली, गला सूख रहा है, पीने को कुछ मिल जाए। भूख भी लगी है, आज तो फिश करी हो जाए। ए, कौन है बे तू? सर, 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 मैं वो मैं कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं सर, प्लीज सर। सर नाच क्यों रहा है? कुछ नहीं सर, प्यास लगी थी इसलिए फिश बोल में से पानी के साथ साथ मछलियां भी खा गया। लगता है पेट के अंदर मछलियां डांस कर रही हैं। लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? हंस मत ना बेटा। अरे मैं ना बोल रहा हूँ, और तू हंस क्या रही है? मेरी बेटी हंस रही है। हाँ, हंस रही है। बेटा तुम हंस रही है? हाँ, हंस रही है। एक्टर हो क्या? नहीं सर, मछलियाँ अंदर हिप हॉप और भांगड़ा कर रही है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। ये बताओ, मेरी फिल्म में काम करोगे? सर आप कोऑर्डिनेटर हो? मेरे पापा डायरेक्टर हैं। साइनिंग अवार्ड दे दो। हेलो टकले, शर्म नहीं है क्या? नहीं, बेच के सो रहा हूँ। फिर से करना। हेलो, औकात दिखा दी ना, एक ही धुलाई से डर गया ना टकले। ढोंगी क्या? उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा, लेकिन मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला। चार जन्ने मिलके बहुत फटके दिए मेरे को। हाँ? और ऊपर से गटर साहब के दो खंबे भी मेरी हलक पे उतार दिए।
मेरी इज्जत बच गई, मगर मेरी मोहब्बत सोना है और मोहब्बत का नाम आशा है और मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा। लैला मजनू श्री फरहाद के बाद अगली जोड़ी होगी टकले और माशा। हो बनना चाहता है ना उसके दिल का बादशाह, तो अपनी तरह एक बड़ी मजबूत गाड़ी लेके आ जा। माशा उधर ही है। मेरी रसमलाई, मेरे गुलाब जामुन, मेरे चॉकलेट केक, मैं तड़प रही हूँ, दीदार का जाम पिलो दे। फूट लिया, कत्ल कर डाला, अभी ले मेरा जुम्मा। कल्पेश, कयू गानो बजाऊ छू? ये मारा रिंग टोन है भाया, मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। बाबू भाई, ये तांबा है भाई। मेरी तो अबे घिस तो ऐसे रहा था जैसे हीरा निकालने वाला है। इतना घिसने पर तो जिन निकला था। इतनी इज्जत अलादीन के जिन को नहीं मिली जितनी इसे मिली है। लादी घिसने वाला ग्राइंडर मंगावे क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जा अभी नहीं। बाबू भाई, जैसा आप सोच रहे हो ये कोई कीमती बर्तन नहीं है, इसमें तो मैं भूचाल को पानी पिलाता था। भाई, इस जन्नत के प्याले ने जहन्नुम की आग दिखा दी है, आप उन्हें बुलाओ और मुंह पे मारो उनके। नहीं 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 नहीं, इसके लिए उन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी, कुछ तो खास बात होगी। हो सकता है इसमें पानी डालते ही शराब बन जाए। गला दबा दूंगा। कभी पिलाते तो हो नहीं, इसलिए यही सब दिमाग में आएगा ना। बेटा राजू, ये बंदूक मैंने फसेपुर से मंगाई है, इससे जब सरदार खान नहीं बचा तो वो कैसे बचेंगी? गुंडे कार लेकर आए क्या? भाई डरना नहीं, भाई कार नहीं, ट्रक है। ट्रक है? ट्रक भर के आपको मारने आए। मुझे क्यों मारेंगे? मैंने आज तक एक चीटी मारी है क्या?